हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ग्रो विद आशीष। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। तो आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास या पहला दिन है, तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्सेल होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये हमारे यहाँ पे इसका बार होता है, कॉलम बार। यहाँ पे ये इसकी रोज होती हैं, ए बी सी डी जितनी भी अल्फाबेट्स में हैं ये सारी इसकी यहाँ पे क्या होती है, रो होती हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये ऐसे लास्ट तक यहाँ पे रो होती हैं। और इधर हम अगर 1 2 3 की तरफ देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसकी क्या होती है, कॉलम होती है। तो सबसे पहले बात आती है कि सेल क्या चीज़ होती है। एक्सेल में सेल वो चीज़ होती है जब आप कहीं पे भी इस कर्सर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बाउंड्री के हिसाब से कॉलम बन जाता है। तो इसी कॉलम को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल किस किस से मिलके बनी होती है? सेल जो होती है हमारी, वो जो हमारा एक रो होती है और एक कॉलम होता है, जहाँ पे भी वो दोनों आके आपस में क्रॉस करते हैं वहाँ पे हमारी एक सेल बनती है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये रो नंबर 7 और कॉलम नंबर डी को अगर आप यहाँ से देखें और इसे यहाँ से मिलाएं तो यहाँ पे ये आपस में क्रॉस करेंगे इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स को ही क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा ज़्यादातर काम होता है वो नंबर्स का काम होता है। तो नंबर्स से ही ज़्यादा हमारा वास्ता पड़ता है, फॉर्मूला बार वगैरह। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला बार होती है। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप कुछ भी करते हैं, जैसे कोई भी नंबर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो साथ के साथ फॉर्मूला बार में भी हमें दिखाई देता है। तो इसमें टाइप करना बहुत ही आसान है। जैसे हमें किसी भी कॉलम या रो या किसी भी सेल में हमें टाइप करना है तो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करें तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे जैसे गलत टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे हमें लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमें जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करने के बाद में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर हमें इसी टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है तो हमें यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम इसमें एडिटिंग या कुछ भी जैसे कर सकते हैं। जैसे इस पे हम सिंगल टैप करें तो जैसे यहाँ पे हम इसमें फिर एडिटिंग कर सकते हैं, ये गाइस आप देख सकते हैं। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी एक्सेल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।